और जो लोग मेरी वीडियो को खास तौर से मऊ के बाहर से लोग जो देखते हैं उनको यहाँ पर आने में बड़ी परेशानी होती है रूम को लेकर, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो गाइज, मुस्लिम मुसाफिर खाने में आपको आने के लिए हलीमा हॉस्पिटल आ जाना है। किसी से भी पूछेंगे हलीमा हॉस्पिटल कहाँ पर है मऊ रेलवे स्टेशन पर, तो आपको यहाँ पर छोड़ देंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग मुस्लिम मुसाफिर खाने में आते हैं तो मात्र 75 रुपये में आप बेड को बुक कर सकते हैं 24 घंटे के लिए। तो आइए आपको बेड दिखाते हैं कि बेड कैसा है। ठीक है, लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो आप सर बताएं कि आप ये मुस्लिम मुसाफिर खाने में आए हैं, तो आप सर कहाँ से आए? ये तो कलकत्ता से आए हुए, मैं मऊ का व्यापारी हूँ साड़ी का। कैसा लगा आप बताएं? आप बहुत अच्छा है, बहुत कम पैसे में। सर आपका नाम क्या है? अरबाज अहमद। सर आप ये जो सिंगल बेडरूम है ये कितने रुपए में बुक कर सकते हैं? ये 200 रुपए में। 200 रुपए में। तो गाइस देख सकते हैं कि इसकी अगर रूम की प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस जो है मात्र 200। ये अगर आप देखेंगे तो ये डबल बेडरूम है यहाँ पे। ये अगर आप सामने देखेंगे तो ये वॉशरूम है और ये डबल बेड है इसका। सर आप बताएं कि क्या है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आज फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ मऊ का, तो ये मुसाफिर खाना है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर गाइज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पर कितने रुपये में रूम बुक होता है, बेड का क्या प्राइस है और यहाँ पर कैसे आना है, सब कुछ जो है डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और इस वीडियो को अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, मुस्लिम मुसाफिर खाने में आपको आने के लिए हलीमा हॉस्पिटल आ जाना है। किसी से भी पूछेंगे हलीमा हॉस्पिटल कहाँ पर है मऊ रेलवे स्टेशन पर, तो आपको यहाँ पर छोड़ देंगे। और यहाँ पर आपको आने के बाद ये अंदर ये गेट मिलेगा, और गेट से जैसे अंदर इंटर करेंगे तो ये यहाँ का ये शानदार नज़ारा है। और यहाँ पर पीछे से भी एक रास्ता है और एक आगे से रास्ता है, दोनों रास्ते से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से पूरा जो है मुसाफिर खाना का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। और अंदर चलते हैं, काउंटर पर बातचीत पूरा करते हैं कि कितने रुपए में यहाँ पर बेड का और जो है सिंगल बेड डबल बेड रूम का क्या प्राइस है। और जो लोग इस वीडियो को बाहर से देखते हैं वो लोग कैसे आते हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को फॉलो करें। ठीक है, और ये यहाँ का अगर देखेंगे तो ये पार्किंग वाला एरिया बनाया गया, नीचे ग्राउंड भी है, गाड़ी वाड़ी से भी अगर आप लोग आते हैं तो गाड़ी को पार्किंग कर सकते हैं। और ये यहाँ का गेट है, और चलते हैं पूरा अंदर, आपको पूरा जो है दिखाते हैं। और ये यहाँ का शानदार नज़ारा है, और जैसे ही आप लोग गेट से अंदर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको सामने ये यहाँ पर आपको जो है ऑफिस मिलेगी, यहाँ पर बात कर सकते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मुस्लिम मुसाफिर खाने में आते हैं तो मात्र 75 रुपये में आप बेड को बुक कर सकते हैं 24 घंटे के लिए। तो आइए आपको बेड दिखाते हैं कि बेड कैसा है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो ये हाल है जिसमें बेड सारा लगा हुआ है। अगर लमसन अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर करीब करीब 14-15 यहाँ पर बेड लगा हुआ है, और ये यहाँ का बेड है, मात्र 75 रुपये में आप बुक कर सकते हैं। और ये यहाँ पर बहुत ही शानदार तरह से जो अगर कहा जाए तो साफ़ सफाई यहाँ पर देखने को मिलेगी, लाइटिंग की सुविधा है, चार्जिंग के लिए यहाँ पे बोर्ड अलग अलग दिया गया। ठीक है, और ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चारों तरफ जो है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, आप जो भी आपका सामान है वो कैमरे की नज़र में रहेगा, बट फिर भी आपको अपने सामान का खुद का हिफाजत करना है। लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो आप सर बताएँ कि आप ये मुस्लिम मुसाफिर खाने में आए हैं, तो आप सर कहाँ से आए? ये तो कलकत्ता से आए हुए, मैं मऊ का व्यापारी हूँ साड़ी का। कैसा लगा आप बताएं? आप बहुत अच्छा है, बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा है, अच्छा फैसिलिटी है, कोई ये नहीं, बहुत अच्छा है। जो लोग बाहर से हमारी वीडियो को देखते हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? कि बहुत अच्छा सजेस्ट करेंगे कि लोग अगर आए यहाँ कम पैसे में, अच्छा जगह है, रहें और अच्छा है। ठीक, तो गाइस ये थे जो बाहर से आए हुए थे कलकत्ता से, और ये मात्र 75 रुपये में ये सिंगल बेड लिए हुए हैं, जो हाल है देख सकते हैं। और आइए गाइस आपको मैं दिखाता हूँ जो यहाँ का सिंगल रूम वाला जो बेड है वो कितने रुपए से स्टार्ट होता है, और डबल बेड वाला रूम है वो कितने रुपए से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जो मुस्लिम मुसाफिर खाने के जो मैनेजर है आज, उनसे भी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो रूम वाला क्या प्राइस है सिंगल बेड का। तो इनके साथ चलते हैं और दिखाते हैं कि ये सिंगल रूम है सिंगल बेड वाला, जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। और ये इसको अगर देखा जाए तो बहुत साफ़ सफाई है। ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये चार्जिंग बोर्ड है, यहाँ पर बहुत शानदार तरह से रख सकते हैं। और यहाँ के जो मैनेजर हैं, तो सर सबसे पहले आपका हमारे फेसबुक पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका नाम क्या है? अरबाज अहमद। सर आप ये जो सिंगल बेडरूम है ये कितने रुपए में बुक कर सकते हैं?
ये 200 रुपये में। तो गाइस देख सकते हैं कि इसकी अगर रूम की प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस जो है मात्र 200 रुपये होने वाली है, ठीक। और आपको आइए डबल बेड का आपको जो है दिखाता हूँ कि वो रूम जो है कैसा है और उसकी क्या प्राइस होने वाली है, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये डबल बेडरूम है, यहाँ पे ये अगर आप सामने देखेंगे तो ये वॉशरूम है और ये डबल बेड है। इसका सर आप बताएं कि क्या इसका प्राइस चार्जेस है डबल बेड का 300 जी। दो लोग एक साथ अगर आएंगे पर्सन के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज अलग से लगता है। तो ये गाइस देख सकते हैं कि अगर आप लोग दो लोग एक साथ आते हैं इस वाले रूम में डबल वाले बेड में तो आपको 300 रुपया रहेगा, मगर अगर तीन होंगे तो उसका अलग से 50 रुपये चार्ज लगेगा। तो ये मुस्लिम मुसाफिर खाना का ये बेडरूम था डबल बेड वाला। दोस्तों मुस्लिम मुसाफिर खाने में ये भी एक गेस्ट आए हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये मुस्लिम मुसाफिर खाने में कैसे आया और ये मुस्लिम मुसाफिर खाना इन सर को कैसा लगा। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप सर कहाँ से आए मुस्लिम मुसाफिर आए आपको सर ये मुस्लिम मुसाफिर खाना बहुत अच्छा लगा, ये बहुत सुविधा अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जो लोग मेरी वीडियो को बाहर से देखते हैं जैसे मऊ से जो अदर सिटी से देखते हैं उनसे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया है, आप लोग आओ यहाँ पे अच्छी सुविधा है। आपका नाम सर क्या? मोहम्मद अशफाक नाम। तो ये जो सर थे ये इनका नाम मोहम्मद अशफाक था और ये राजस्थान से आए हुए थे मुस्लिम मुसाफिर खाने में। अगर मेरी वीडियो को बाहर से देखते हैं और मऊ में अगर आप लोग आ रहे हैं रहने के लिए मात्र 75 रुपये में यहाँ पे आप रूम बुक कर सकते हैं, जो कि हाल भी मिलेगा आपको, सिंगल बेड वाला भी मिलेगा रूम और डबल बेड वाला भी रूम मिलेगा। और ये यहाँ पर देखेंगे तो ये बेसिन है, ये ऊपर जाने वाला भी एक सीढ़ी है जो कि आप देख सकते हैं घूमने फिरने के लिए बहुत जो है टहलने के लिए एक नंबर की ये शानदार जगह है। आइए आपको दोस्तों दिखाते हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये मैरिज हॉल भी है, ऊपर वाला हिस्से को मैरिज हॉल बनाया गया है। और ये अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो बहुत ही शानदार है, खुले वाले एकदम अगर देखा जाए शानदार एरिया में ये अगर कहा जाए तो ये मुस्लिम मुसाफिर खाना है। तो गाइस ये हैं मुस्लिम मुसाफिर खाने के मैनेजर, आज इनसे थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि कैसे यहाँ पर आना है, रूम कितने रुपये में, बेड कितने रुपये में और यहाँ की साफ़ सुथराई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले हमारा फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल आपका दोनों जगह पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी बहुत। सर आपका नाम क्या? अरबाज अहमद। सर आप ये बताएं कि ये जो मुस्लिम मुसाफिर खाना है अगर यहाँ पर लोग आना चाहे तो जो मऊ का रेलवे स्टेशन है उससे कितनी दूरी पर है? नियर अबाउट 500 मीटर है। अगर कोई रिश्ते से अगर आता है कितना इसका चार्ज वगैरह? 10 रुपये की नियर अबाउट लगेगा, 2 से 3 मिनट का रास्ता था 4 मिनट का। और जो लोग मेरी वीडियो को खास तौर से मऊ के बाहर से लोग जो देखते हैं उनको यहाँ पर आने में बड़ी परेशानी होती है रूम को लेकर, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक बार मेरे मुस्लिम मुसाफिर खाने में आइए और जो सुविधाएं दी जाएंगी आपको बहुत बेटर लगेगा, मेरी सुविधाएं देख के चार्जेस भी कम है, आपको बहुत सारी सुविधाएं और सर कुछ मिलेगी। और सर कुछ सिक्योरिटी के बारे में बताएं, जैसे मोबाइल चार्जिंग हो गया, कैमरा वगैरह के बारे में आपके पास? सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, सिक्योरिटी के बारे में मोबाइल चार्जेस का भी मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, साफ सफाई के बारे में मिलेगी, हर सुविधाएं रूम के अंदर मिलेगी, सारी सुविधाएं अवेलेबल मिलेगी आपको रूम के। मुस्लिम मुसाफिर खाने के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा मुसाफिर खाना 2016 से चला आ रहा है, अब तक किसी शिकायत का कोई मौका नहीं मिला और मऊ में सबसे बेस्ट इस वक्त इस पे मुसाफिर खाना चल रहा है। मुस्लिम मुसाफिर खाने के लिए एक बार आके यहाँ की सुविधाएं देखें, यहाँ की सारी चीज़ें देखें और यहाँ का मेन लोकेशन भी बहुत, आपको व्यू भी बहुत शानदार मिलेंगे, आपको हर एक चीज़ की सुविधा आपको बहुत बेटर मिलेगी। यहाँ पर आपको आने के लिए सबसे पहले जो मऊ का रेलवे स्टेशन है या अगर देखा जाए तो बस स्टैंड है, वहाँ से करीब करीब 500 मीटर या 800 मीटर की दूरी पर है और ई रिक्शे से अगर आप लोग आते हैं तो मात्र 15 से 20 रुपया। और यहाँ पर हलीमा हॉस्पिटल के पास में सटा हुआ ये मुस्लिम मुसाफिर खाना था जो कि मात्र 75 रुपये में यहाँ पर बेड रूम बुक कर सकते हैं। तो सर से आज यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ठीक है सर, थैंक यू। तो इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़। और अगर आप ये देखेंगे तो ये मुंशीपुरा का ओवरब्रिज था और ये मुसाफिर खाना का ये अंदर जाने वाला गेट था, हलीमा अस्पताल वाले गेट से भी अंदर आप अंदर जा सकते हैं। और ये सामने अगर देखेंगे ये आज़मगढ़ तिराहा है।